अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे तो हम लोग भी ठीक हैं। तो चलिए फिर आज हम अपने किचन में बनाएंगे आंवले का जैम। तो आंवले का जैम बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम आंवले ले लिया है और ये 500 ग्राम चीनी है। अगर आप लोग कम ज़्यादा चाहें तो कर सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अगर मतलब कम मीठा खाते हैं तो घटा भी सकते हैं। तो हमने ले लिया, तो ये इलायची का पाउडर है, इसको हम डालेंगे जैम में। और ये दालचीनी की लकड़ी है, इसका पाउडर भी पड़ता है, अगर आप लोग चाहें तो डालते हैं, हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो चलिए फिर आंवले को हम उबाल लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टीम यहाँ पर नहीं करेंगे, इनको भाप में उबाल लेंगे। एक भाप में, ज़्यादा नहीं हमें उबालना है, हल्का ही से उबालना है। ये देखिए इस भगोने में हम रख के आंवले आप लोग अच्छे लीजिएगा, इसमें हल्के से दाग आ गए हैं लेकिन ख़राब नहीं है, अच्छे हैं, थोड़े से दाग हैं निशान के। तो इनको हमने अच्छी तरीके से धुल लिया है, अब हम गैस पे रख देंगे इनको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये आंवले हमारे उबल जाएंगे। ये आंवले बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, थोड़ा सा कसैले होते हैं, बच्चे लोग नहीं खाते हैं और बड़े लोग को भी नहीं पसंद होते हैं, लेकिन इस कदर फ़ायदे हैं इसमें कि हम बताते बताते थक जाएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग को तो सब पता ही है कितने फ़ायदेमंद हैं ये आंवले। जैम बना के अगर खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएं, बूढ़े खाएं, आप जवान लोग भी खाएं, ब्रेड में खाएं, रोटी में लगा के खाएं, तो ये आंवले बहुत फ़ायदेमंद हैं। सीजन में खाना भी चाहिए, सर्दी आ गई है, बहुत सारे आंवले मिल रहे हैं मार्केट में, हरी हरी सब्जियां मिल रही हैं खूब सारी। तो आंवले हमारे उबल चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से आंवले 10 मिनट में हमारे ये आंवले गल गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इनकी कलियां हम निकालेंगे। तो देखिए ये आंवले हमारे थोड़े ठंडे हो जाएं, फिर इनकी कलियां हम निकाल लेंगे। तो अब हम ये आंवले की कलियां निकाल लेंगे। ये देखिए ये अपने आप से ये कलियां सब हमारी निकलती जा रही है। देखिए ये गुठलियां हम निकाल के अलग रख लेंगे। ये देखिए आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा, आप लोग भी खाइएगा, बच्चे लोग को भी खिलाइएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसका जैम बहुत फ़ायदेमंद है। चाय चटनी खाएं बना के, जैम खाएं। और अगर नए आए हमारे चैनल पे, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने घरों में शेयर करें। तो इसी तरीके से सब कलियां हम निकाल लेंगे। ये देखिए देखिए आंवला हमने काट दिया, ये देखिए अब ठंडे हो जाए, फिर इनको हम मिक्सर जार में इनका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए ये इतनी गुठलियां निकली हैं, ये देखिए। तो ये आंवले हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनको जार में डाल देंगे। ये देखिए दो बार में हम इनको पीसेंगे अच्छी तरीके से ताकि पीस जाएं, बारीक पीसना है। तो देखिए पेस्ट हमारा आंवले का बनके तैयार है, ये देख लीजिए ये। तो अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए गैस पे, तो ये पेस्ट अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इस साथ ही साथ में हम चीनी डाल देंगे एक साथ। तो अब इसको हमें चलाना है
बराबर, रोकना नहीं है हाथ, नहीं तो फिर ये कढ़ाई में नीचे से लग जाएगा, ये औला जो है नीचे से लग जाएगा। तो देखिए चीनी हमारी औले में मिक्स होने लगी है धीरे धीरे, ये देखिए सब पिघलने लगी है। इसको हमें रोकना नहीं है हाथ, चलाते रहना है, जब तक हमारा जैम बन के तैयार नहीं हो जाता है इसको हम चलाते रहेंगे इसी तरह। अब इसमें ये हम इलायची पाउडर डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स होकर पक जाए साथ ही साथ। और आज को हमें धीरे रखना है, ज़्यादा तेज नहीं रखना है, बस मीडियम आंच पे हमें पकाना है इसी तरह से। औले आप लोग जरूर खाएं, बहुत फायदेमंद है, और इस सर्दियों में जो सर्दी खांसी जुकाम जो बार बार होता है इससे नहीं होगा, और बाल भी बहुत इससे लंबे होते हैं, मजबूत भी होते हैं, कितनी चीज़ों में फायदा करता है। तो देखिए शक्कर और औले का पेस्ट एक में बिल्कुल मिक्स हो गया है, शक्कर हमारी सारी घुल गई है, बस हमें चलाते रहना है इसी तरीके से। तो अब देखिए ये पेस्ट हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, बस इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे इसी तरीके से पक पक के, बस ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसी तरीके से हमें चलाना है। फायजा हमारी बहुत चिल्ला रही है, एक तो फायजा हमारी सोती नहीं है, रात भर जगती हैं वो, दिन में सोती हैं, पूरी रात जागती हैं, हम लोग को जगाती हैं साथ में, 5 बजे सोती हैं सुबह के टाइम 5 बजे अपना सो लेती हैं, हम लोग को सुबह उठना रहता है तो अपना सोती हैं 1-2 बजे तक। तो देखिए पक रहा है, पकने लगा है, ये देखिए, बस हमें रोकना नहीं है, चलाते रहना है, अगर हम रोक लेंगे ज़रा सा भी तो ये चिपक जाएगा तले में औला। आप लोग देख लेते हैं हमारी रेसिपी लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, आप सभी लोग से हम कह रहे हैं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, रेसिपी देखने के बाद एक लाइक कर दीजिएगा। जब भी आप लोग जैम बनाएं तो इसको इस तरीके से ढक के बनाएं, क्योंकि छींटे इसकी बाहर आ रही हैं, चेहरे पे भी पड़ सकती हैं, आप लोग ध्यान से थोड़ा बनाएं, ये देखिए। तो देखिए अब जैम हमारा तैयार हो रहा है, ये देखिए ठक्का जमने लगा है, ये देखिए, बस थोड़ी देर हम इसको और चलाएंगे, बस 2-4 मिनट तक हम और चलाएंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तैयार है हमारा जैम बनके। तो देखिए फिर ये जैम बन के तैयार हो गया है, ये देखिए अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये देखिए। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, इससे ज़्यादा अगर हम पका लेंगे तो ये फिर जम जाएगा। गैस को हमने बंद कर दिया है, इसको एक डिब्बे में भर के रख दें
सालों साल खा सकते हैं, खराब नहीं होने वाला है ये। इसको रोज सुबह उठ के एक चम्मच जरूरी है खाना। इसको रोज आप लोग भी खाएं, बच्चों लोग को भी खिलाएं, एक चम्मच जरूर खाना है। तो देखिए जेम हमारा बनके तैयार है। अब इसको हम अभी इस तरीके से बंद करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो ये जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको एक कंटेनर में हम भर लेंगे, भर के रख देंगे। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।